सीबीआई ने कथित आबकारी नीति घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 16 अप्रैल को तलब किया है। केजरीवाल ने इससे पहले शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि मैंने दिल्ली विधानसभा में जिस दिन भ्रष्टाचार के खिलाफ बोला था उसी दिन मैं जान गया था कि अगला नंबर मेरा होगा। उन्होंने बताया कि कल वह सीबीआई ऑफिस जाएंगे। केजरीवाल को सीबीआई जांच दल के सवालों का जवाब देने के लिए 11 बजे एजेंसी मुख्यालय में उपस्थित होने को कहा गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले पर कहा कि ईडी सीबीआई ने 100 करोड़ रुपए की घूस लेने का आरोप लगाया। उन्होंने 400 से अधिक छापे मारे लेकिन यह राशि नहीं मिली। सीबीआई ईडी ने आबकारी नीति मामले में अदालत में झूठे हलफनामे दायर किए। वे मनीष सिसोदिया और मेरे खिलाफ गवाही देने के लिए लोगों को प्रताड़ित कर रहे हैं। केजरीवाल ने कहा मनीष सिसोदिया पर आरोप है कि उन्होंने अपने 14 फोन तोड़ दिए। फिर ईडी कह रही है कि उसमें से 4 फोन उनके पास है और सीबीआई कह रहे हैं कि 1 फोन उनके पास है। अगर उन्होंने फोन तोड़े हैं तो उनके पास फोन कैसे आए। इन लोगों ने झूठ बोलकर केस बनाए और बोला कि शराब घोटाला हुआ है। दिल्ली आबकारी नीति घोटाला मामले में सीबीआई के ऑफिस में पेश होने से पहले ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, करीब 1 साल से भाजपा चिल्लाकर कह रही है कि दिल्ली में कोई शराब घोटाला हो गया है और बड़ी एजेंसियां पूरा काम छोड़कर इसकी जांच में लगी हुई है। सिसोदिया पर सबसे बड़ा आरोप यही लगा कि 14 फोन तोड़ दिए। ईडी की चार्जशीट में उन फोन का IMEI लिखा है लेकिन सीजर मेमो में कह रहे हैं कि 5 फोन हमारे पास है, बाकी 9 फोन कहाँ। हमने पता कराया तो पता चला कि बाकी ज़्यादातर फोन जिंदा हैं, कोई न कोई इस्तेमाल कर रहा है। मनीष सिसोदिया के फोन नहीं थे वे। ईडी ने कोर्ट को गुमराह किया क्योंकि शराब घोटाला तो कुछ है ही नहीं। केजरीवाल ने आगे कहा, अब ये रोज किसी न किसी को पकड़ लेते हैं और उन्हें टॉर्चर करके उनसे केजरीवाल का नाम, सिसोदिया का नाम ले लो, ये दबाव बनाते हैं। चंदन रेड्डी को इतना मारा कि उनकी मेडिकल रिपोर्ट में लिखा है कि मरीज ईडी की पिटाई से कान के दोनों पर्दे फट गए हैं। उनसे ईडी क्या उगलवाने की कोशिश कर रही थी, उसे किस कागज पर दस्तखत के लिए कहा जा रहा था। अरुण पिल्लई, समीर महेंदू सहित 5 नाम हमारे पास है। उन्हें धमकियां दी गई, टॉर्चर करके बयान लिया गया। एक व्यक्ति के पिता और पत्नी को बैठाकर पूछताछ की गई। धमकी देकर, मैं प्रधानमंत्री से पूछना चाहता हूं कि चल क्या रहा है। दिल्ली की मुख्यमंत्री ने कहा कि आज तक किसी एक पार्टी को इस तरह से टारगेट नहीं किया गया जैसा आपको किया जा रहा है। पहले नंबर 2 और 3 को गिरफ्तार किया गया ताकि मेरी गर्दन तक पहुँच सके। इसका कारण यह है कि आपने लोगों को उम्मीद दी है। आपने लोगों को जो उम्मीद दी है उसे प्रधानमंत्री कुचलना चाहते हैं। कल मैं जाऊंगा सीबीआई में। प्रधानमंत्री अगर केजरीवाल भ्रष्टाचारी है तो दुनिया में कोई ईमानदार नहीं है। वही एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाजपा वाले कह रहे हैं कि केजरीवाल को गिरफ्तार करेंगे। अगर उन्होंने आदेश दे दिया है तो सीबीआई उसे नकार कैसे सकती है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।